नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च दिन शनिवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बिहार में भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट का होगा निर्माण। बिहार में जिला मुख्यालय में अब सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। किसानों को कॉल सेंटरों से मिलेगी कई सुविधाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के दौरान स्टार रेटिंग देखना जरूरी। आचार संहिता लागू होने पर कई चीजों पर होती है पाबंदी। क्रिस्तमाचार्य श्रीकांत के विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप को लेकर कहिए बात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 1125 पदों पर निकली भर्ती। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा सेंटर इंचार्ज, सेंटर एक्सटेंशन ऑफिसर और सेंटर असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर वैकेंसी आई है। इस भर्ती के तहत कुल 1125 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मार्च 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीयपशुपालन.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसलिए भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट का होगा निर्माण। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य में भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। नीतीश कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए 4% तक डीए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया है। भागलपुर में एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका फिर से निर्माण किया जाएगा। बिहार के मुख्य शहर के पास राजे टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। मालूम हो कि यह इस वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक रही है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इसका विस्तार बीते शाम राजभवन में हुआ। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों को राजभवन में राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर द्वारा शपथ दिलाई गई है। इस दौरान सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आदि मौजूद रहे। नीतीश कैबिनेट में बने 6 मंत्री उच्च जाति से, 6 मंत्री दलित, 4 ओबीसी, 4 बैकवर्ड और 1 मुस्लिम रहे। रेणु देवी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, दिलीप कुमार जायसवाल, महेश्वरी हजारी, शिला मंडल, सुनील कुमार, जनक राम, हरी सहनी, कृष्ण नंदन पासवान, जयंत राज, जमा खान, रत्नेश सदा व केदार गुप्ता ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सुरेंद्र मेहता, संतोष सिंह और हरी सहनी ने मैथिली में शपथ ली, जबकि बाकी सदस्यों ने हिंदी में शपथ ली। बिहार में जिला मुख्यालय में अब सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। बिहार में जिला मुख्यालय में अब भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। प्रमंडलीय मुख्यालय के बाद अब जिला मुख्यालयों में भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यातायात पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले लोगों का ई चालान काटा जाएगा। भीड़ भाड़ वाले व्यस्त इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वाले सहित यातायात नियम को तोड़ने वाले लोगों पर आसानी से निगरानी रखी जाएगी। सड़क हादसों में कमी लाने के ख्याल से इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पटना में 99% वाहन चालक हेलमेट पहनते हैं। साथ ही साल 2022 में बिना हेलमेट वाले 1628 लोगों की जान चली गई। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नालंदा में स्थित विरायतन के बारे में। विरायतन भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। नालंदा में बने विरायतन को मानव सेवा का अनूठा मिसाल माना जाता है। विरायतन की स्थापना भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर की गई थी। यह स्थान तीर्थकर के जीवन को प्रदर्शित करते हुए अहिंसा दर्शन को दर्शाने वाले बेहतरीन पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। यहाँ का शांत वातावरण आपका मन मोह लेंगे। यदि आप नालंदा और राजगीर आते हैं तो स्थान पर जरूर आए। किसानों को कॉल सेंटरों से मिलेगी राहत। किसानों को कॉल सेंटरों से मिलेगी कई सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किसान कॉल सेंटर और कृषि ज्ञान वाहन की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। साथ ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान वर्धन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा पशु पक्षी संबंधी परेशानियों का भी समाधान किया जाएगा। किसान कॉल सेंटर पर सीधे रूप से कृषि संबंधित समस्याओं का निवारण किया जाएगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-1801551 या 1551 पर कॉल कर सकते हैं। इसमें विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्या का निवारण होगा।
एएनएम बहाली मामले में हाईकोर्ट में होगी आखिरी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट एएनएम बहाली मामले में 2 अप्रैल 2024 को अंतिम सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बहाली के लिए आदेश दिया है। जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम के पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था। इसमें कहा गया है कि प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति होगी। मालूम हो कि प्रदेश में एएनएम की बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अनुसार अंकों के आधार पर बहाली लेनी थी, लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा था। इसके बाद इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था। बिहार के विकास के लिए सरकार ने तैयार किया नया प्लान। बिहार के विकास के लिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अलग अलग टाउनशिप बसाया जाएगा और इसे शहरों के आसपास का क्षेत्र विकसित किया जाएगा। सड़क पार्क, ड्रेनेज, शुद्ध पेयजल आदि के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी और भूगर्भ जल के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। जल जीवन हरियाली के तहत अलग अलग नदियों के अधिशेष जल का बरसात के समय भंडारण करके उसे शुद्ध पेयजल में तब्दील करने की योजना पर काम किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि खेल की बेहतरी के लिए बिहार में खेल विभाग का गठन हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, साथ ही कुछ विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की भी घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार आज दोपहर के 3 बजे इसको लेकर आयोग की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी चुनाव आयोग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई है। ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चुनाव आयोग के प्रेस वार्ता की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। वहीं इससे पहले बीते शुक्रवार को ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधु ने चुनाव आयुक्त के तौर पर पदभार संभाला। जिला परिषदों में 500 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। बिहार पंचायत राज विभाग ने आईटी और अन्य संवर्ग के अंतर्गत 507 पदों पर बहाली को स्वीकृति दे दी है। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। नियमावली के अंतर्गत हर जिला में आईटी संवर्ग के तहत जिला परिषद नियमावली के अंतर्गत आईटी मैनेजर और आईटी सहायक के साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर बहाली ली जाएगी। इसके अलावा जमीन चालक, कर संग्राहक, आदेशपाल, सह चौकीदार, माली तथा आदि के पदों पर बहाली निकाली गई है। 40 की उम्र पार करने वाले अधिकारियों को देनी होगी मेडिकल रिपोर्ट। बिहार में तैनात 40 की उम्र पार करने वाले अधिकारियों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंपनी होगी। अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारियों को अपनी स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। पटना के IGIMS के साथ ही अन्य अस्पतालों में जांच की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ ही भारतीय वन सेवा सहित राज्य के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा। पुरुष अधिकारियों के लिए 2000 और महिला अधिकारियों के लिए 2200 रुपए का पैकेज है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के दौरान स्टार रेटिंग देखना जरूरी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर स्टार रेटिंग होती है, इसे खरीदने के दौरान स्टार रेटिंग को देखना चाहिए। इसका कारण है कि कम स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट बिजली की अधिक खपत करते हैं, दूसरी ओर अधिक स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट बिजली की कम खपत करते हैं। स्टार रेटिंग इस बात को भी दर्शाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, साथ ही किस सामान को खरीदने से आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि 5 स्टार रेटिंग वाले एसी कम बिजली की खपत करते हैं, इधर 3 स्टार रेटिंग वाला एसी अधिक बिजली की खपत करता है। 5 स्टार रेटिंग वाले एसी महंगे भी होते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। ये देश के महान विचारकों में से एक, चिंतक और मनन करने वाले क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार और संपादक में से एक थे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वर्ष 1899 में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 वर्ष जेल में बिताए थे। ये एक पत्रकार के रूप में इन्होंने युवक जैसे कई समाचार पत्र भी निकाले। किशोरावस्था में ही ये देश के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कई कहानी संग्रह, उपन्यास, यात्रा वृत्त, नाटक, निबंध और जीवनी आदि लिखे हैं, जिसमें चिता के फूल, लाल तारा, माटी की मूरत, गेहूं और गुलाब आदि शामिल हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए 17 मार्च तक दर्ज करें आपत्ति। सक्षमता परीक्षा के लिए 17 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए आंसर की को जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bscbsakshamta.com/login पर आंसर की को चेक कर सकते हैं। 17 मार्च तक आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए ₹50 के शुल्क को तय किया गया है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए इसका भुगतान करना जरूरी होगा। वहीं संभावना जताई जा रही कि 23 मार्च तक परीक्षा के परिणाम की घोषणा हो सकती है।
बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। बिहार में तबादलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। साथ ही कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त पदभार भी सौंपा गया है। बिहार सरकार की ओर से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नए जिले में भेजा गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना जारी की है। विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार को विशेष सचिवालय में भेज दिया गया है। इनके अलावे हिमांशु कुमार को विशेष सचिव योजना एवं विकास विभाग में पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर किया गया है। इसी तरह से कई अधिकारियों का तबादला हुआ है। बिहार पुलिस एसआई मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस यानी बीपीएसएससी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा परिणाम को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी को किया गया था। 2 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसमें पहले पेपर में कुल 23,957 परीक्षार्थी और दूसरे पेपर में 23,948 उम्मीदवार शामिल हुए थे। जानकारी के अनुसार कुल 1,448 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। उम्मीदवारों को आगे के अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। प्रदेश में कई जगहों पर दिख रहे गर्मी के तेवर। बिहार में गर्मी के तेवर अभी से ही दिखने शुरू हो गए हैं। मार्च के मध्य में ही अभी दोपहर के समय में घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सुबह और शाम के समय में होने वाले ठंड का एहसास भी अब कम होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। बिहार के राज्यपाल का बयान, मैं भी बन चुका हूं बिहारी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बोधगया के सांस्कृतिक केंद्र में राज्य निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में आकर वे भी बिहारी बन चुके हैं और बिहारी कहलाने में उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये राज्य संपन्न रहा है। देश की नहीं बल्कि विदेश में भी सबसे पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने ज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। माता सीता का जन्म यहीं हुआ था और बिहार ऐतिहासिक धरोहर को लेकर आगे बढ़ रहा है। पशुपति पारस का बयान, उचित सम्मान नहीं मिलने पर हमारी पार्टी स्वतंत्र। एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उचित सम्मान नहीं मिलने पर हमारी पार्टी स्वतंत्र है, हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि हम एनडीए गठबंधन के ईमानदार सहयोगी हैं। उचित सम्मान नहीं मिलने पर हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सम्मान करते हैं। पशुपति पारस ने बताया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं। मालूम हो कि इधर पशुपति पारस के भतीजे और जमुई से सांसद चिराग पासवान भी हाजीपुर की लोकसभा सीट से दावा ठोक रहे हैं। आचार संहिता लागू होने पर कई चीजों पर होती है पाबंदी। आचार संहिता लागू होने पर कई चीजों पर पाबंदी होती है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने के मकसद से कुछ नियम को बनाया गया है। इसे ही आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार और नेताओं के साथ ही राजनीतिक दलों को इन नियमों को मानना पड़ता है। आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद सरकार के कर्मचारी और अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लागू एक सिस्टम है। आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। इस दौरान सरकार ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती है। रैली निकालने के लिए थाने में जानकारी देनी होती है। नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन हो सकता है। कृष्णाचार्य श्रीकांत ने विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप को लेकर कही ये बात। भारतीय चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष कृष्णाचार्य श्रीकांत ने विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली के बिना संभव नहीं है। कोहली ने हमें T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप से बाहर करवाने की अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में लोगों को और कोई काम नहीं है। इन सभी बातों का कोई आधार नहीं है। कृष्ण श्रीकांत ने कहा है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए विराट कोहली का स्क्वाड में होना काफी जरूरी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1910 में भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर
इफ्तिकार अली खान पटौदी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2012 में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। आज के दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1901 में वकील प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्र गडका का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1947 में पत्रकार प्रतिमा पुरी का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे चुनाव आयोग के वायरल हो रहे इस नोटिफिकेशन के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर भारतीय चुनाव आयोग का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। इस अधिसूचना में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह नोटिफिकेशन पूरी तरह से फेक है। इस संबंध में पीआईबी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, इसलिए ऐसे किसी भी अधिसूचना पर विश्वास ना करें। लाल निशान में बाजार हुआ बंद, सेंसेक्स 453 अंक गिरा नीचे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई है, दोनों करीब आधा प्रतिशत तक नीचे गिर गया। बाजार लाल निशान में बंद हो गया है। सेंसेक्स 453 और निफ्टी 123 अंक नीचे दर्ज किया गया है। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी बैंक 195 अंक तक गिरकर या 0.42% गिरकर 46.584 अंक पर बंद हो गया है, और इसके अलावा सेंसेक्स 0.62% अंक नीचे गिरकर 72,643 अंक नीचे गिर गया है। एनएसई पर 1013 शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। इधर 1192 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। आपको बता दें कि सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर लाल निशान पर बंद हो गए। स्कूलों के डेटा का 31 मार्च को होगा वेरिफिकेशन। सीबीएसई ने बीते दिन हर हाल में यूडीआईएसई पोर्टल पर स्कूलों को डेटा भरने का आदेश दिया है। इसके बाद डेटा के वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहीं डेटा के वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन सहित सबमिशन की आखिरी तारीख 31 मार्च है। यूडीआईएसई प्लस में स्कूलों को समय पर डेटा भरना है। वहीं समय पर डेटा की जानकारी को नहीं देना आरटीआई के नियमों का उल्लंघन है। मालूम हो कि यूडीआईएसई प्लस के पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ये एक शैक्षणिक डेटा का पोर्टल है। इसका मकसद शिक्षा से संबंधित संवाद को भारत के अलग अलग शिक्षा डिस्ट्रिक्टों में के बीच बढ़ावा देना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को क्या मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए हैदराबाद मुक्ति दिवस, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश दिवस, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर मुक्ति दिवस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हैदराबाद मुक्ति दिवस। किसने तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन डी है बिहार विश्वविद्यालय ने। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी एनआईटी पटना, ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। इसका सही उत्तर आईआईटी रुड़की। बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 30 मार्च 1938 को, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1939 को, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1938 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1938 को। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है नवादा, ऑप्शन डी है कैमूर। इसका सही उत्तर है नवादा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नवल किशोर झा, मोहम्मद साकिर हुसैन, इंद्रजीत राय, राकेश मिश्रा, राजेश कुमार, लल्टू राम, कृष्णा प्रसाद, संजीव कुमार, आशीष कुमार यादव, अमन कुमार यादव, शोभानंद ठाकुर, सुजीत गोप,
नौसाद रजा, पीयूष कुमार, रंजीत मिश्रा, पवन कुमार, अतीक खान, धीरज कुमार, अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, सादुल्ला पालवी, विकास दास, शैलेश यादव, लखन सिंह, लल्टू राम, बिट्टू पटेल। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से बिहार के लोगों को कितना फायदा होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।